वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है भारत के वायसराय। तो आज जिस वायसराय की हम चर्चा करने वाले हैं साथियों वो है लॉर्ड डफरिन। इससे पहले की क्लास में जो अन्य महत्वपूर्ण वायसराय हैं उनकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था लॉर्ड रिपन को, आज हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे लॉर्ड डफरिन के बारे में। समय देखिए, इसका समय है 1884 से 1888। देखिए लॉर्ड डफरिन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कांग्रेस की जो स्थापना है साथियों, कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में ही हुई है, ध्यान रखना। लॉर्ड डफरिन के समय में ही 1885 में तीसरा वर्मा युद्ध हुआ जिसमें डफरिन ने वर्मा को जीत करके अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई लॉर्ड डफरिन के समय में ही, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, ये भी ध्यान रखना कब स्थापित हुई है, तो 1887 में स्थापित हुई है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि डफरिन ने किसानों के हितों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया। 1885 में उसने बंगाल में टेनेंसी एक्ट पारित किया जिसके अनुसार जमींदार अब किसानों की भूमि को मनमर्जी तरीके से नहीं छीन सकते थे, ठीक है। तो टेनेंसी एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेनेंसी एक्ट जो है वो लेकर के आया है लॉर्ड डफरिन किसानों के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास गवर्नर है लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। इसके समय की इम्पोर्टेंट बातें देखें तो इसके समय की इम्पोर्टेंट बात है ये कि 1891 में आया दूसरा कारखाना अधिनियम, और दूसरे कारखाना अधिनियम में इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि स्त्रियों को 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कोई भी महिला अब 11 घंटे से अधिक काम किसी फैक्ट्री में नहीं कर सकती, ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें साथियों तो लॉर्ड लैंसडाउन ने ही सिविल सेवाओं का इंपीरियल प्रांतीय तथा अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण कर दिया, यानी एक हो गए आपके IAS टाइप, एक हो गए PCS टाइप, और एक हो गए जैसे UPSSC टाइप हो गया है ना, जो स्टेट लेवल में हम काम करते हैं उस तरीके से। इसी के समय में ही आया है भारत परिषद अधिनियम 1892 जिसके द्वारा भारत में निर्वाचन सिद्धांत का प्रारंभ हुआ है, ध्यान रखना भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत ही भारत में निर्वाचन मतलब इलेक्शन, तो निर्वाचन सिद्धांत का प्रारंभ जो है वो 1892 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आया, और किसके समय में आया है लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही आया है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा के निर्धारण हेतु डूरंड आयोग का गठन किया गया, और इस डूरंड आयोग ने 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा खींची जिसका नाम है डूरंड रेखा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जब खींची गई थी तब इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन आज के समय में ये जो रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास गवर्नर है साथियों लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899। देखिए लॉर्ड एल्गिन की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पेपर में पूछी जा चुकी है, वो है ये कि लॉर्ड एल्गिन ने घोषणा की कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है। इसका एक स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखना है कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है, और तलवार के बल पर ही हम इसे अपने अधीन रखेंगे, यानी इस पर कब्जा बनाए रखेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, ठीक है। और लॉर्ड एल्गिन के समय में ही चापेकर भाइयों ने, दो भाई हैं जिनके नाम है बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, इस तरीके से दो भाई हैं ये, इन दोनों भाइयों ने क्या किया, इन दोनों भाइयों ने एक अंग्रेज अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला गवर्नर है हमारे पास लॉर्ड कर्जन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मैं आपको बता दूं लॉर्ड कर्जन भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय है, अलोकप्रिय यानी जिसको जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वो है ये, ठीक है। देखते हैं इसके समय की इम्पोर्टेंट बात क्या है। अच्छा, इसके अलोकप्रिय होने का कारण क्या है, वो है बंगाल विभाजन, ध्यान रखना। बंगाल विभाजन इसी के समय में हुआ है, और बंगाल विभाजन की वजह से ही लोगों ने इससे घृणा करी, और इसी वजह से ये जो है अलोकप्रिय हो गया, लोगों की
निगाह से उतर गया। काम क्या किए हैं वो देखते हैं जरा। तो पुलिस प्रशासन में सुधार करने के लिए एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया 1902 में, ठीक है ना। हाँ, और अगर हम देखें तो 1902 में ही विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये विश्वविद्यालय अधिनियम। और अगर हम देखें तो उद्योग और वाणिज्यिक विभाग की स्थापना की कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 इसी के समय में आया है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 इसी के समय में आया, जिसमें इसने जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के नियम बनाए। बंगाल विभाजन इसी के समय में हुआ है जैसा कि मैंने बताया। कर्जन और किचनर विवाद भी जो है इसी के समय का ही है, ऑब्वियस बात है। और तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन जो है 1904 में गया, ठीक है। जरा मैं आपको किचनर का विवाद आपको बताता हूँ। मैं देखिए 1909 में क्या होता है, लॉर्ड किचनर भारत के सेनापति बनकर के यहाँ पर आते हैं और वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देशी राजाओं के राजकुमारों के सैनिकों के लिए इम्पीरियल कैडेट कोर की स्थापना की और इसी बात को लेकर के लॉर्ड कर्जन का किचनर से विवाद हो गया। और किचनर से जब विवाद हो गया तो किचनर ने इस बात से कुपित होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये कहलाता है किचनर और कर्जन का विवाद, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर हम देखें कि इसी के समय में ASI की स्थापना हुई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, और जॉन मार्शल बने हैं इसके पहले महानिदेशक, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर हम देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की है। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो छोटा सा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे लॉर्ड मिंटो की और अन्य जो महत्वपूर्ण गवर्नर हैं उनके बारे में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।